और गजेंद्र सिंह सांकला प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सांकला साहब, सुना आपने नवजोत सिंह सिद्धू के ये बयानात अब बार बार रिपीट होंगे चुनाव से पहले, क्या लगता है आपको मुश्किल बढ़ सकती है क्या? क्योंकि आप जानते होंगे कि चुनाव में, राजनीति में परसेप्शन जो है वो बहुत अहम हो जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ एक खिलाड़ी के रूप में इमरान खान के व्यक्तिगत संबंध रहे हैं और ऐसे संबंध आपको भी मालूम होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाकर के वहां के वजीर आजम की मां के लिए शॉल लेके गए, बिरयानी खाने वहां पर गए थे। तो व्यक्तिगत संबंधों को लेकर के मनों के अंदर खटास नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात ये, देशों के अंदर जो तनाव है उसको भी हम अपने संबंधों के माध्यम से, टेबल टॉक करके, बातचीत के माध्यम से ही सुलझा सकते हैं। उसका रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम जब दोबारा मिले तब उस संबंधों के अंदर ऐसी गांठ पड़ जाए जिसको कि हम वापस निभा नहीं पाए। तो ये बात आप समझा नहीं पाए कैप्टन अमरिंदर सिंह को, ये बात आपका आलाकमान समझा नहीं पाया कैप्टन अमरिंदर सिंह को? वो तो सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं सिद्धू को। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी हमारे कांग्रेस के साथी है, उनके मन में जो भाव था, गुस्सा था, और गुस्से में शब्द उन्होंने कह दिए। अच्छा, गुस्से में कह दिया, ये गुस्से में उन्होंने शब्द कह दिया। लेकिन क्या पंजाब इलेक्शन से ठीक पहले इस तरह का बयान, चाहे वो भाजपा का हो या फिर कांग्रेस का हो, क्योंकि आपके डोमेन में ही नहीं आता है वो। इतनी बुनियादी संविधान आप जानते हैं, इतना बुनियादी आप ढांचा जो है संविधान का आप भी समझते हैं, और आप मुकाबला कर रहे हैं प्रधानमंत्री का सिद्धू जी से। वो डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक तौर पर या फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या कर रहे हैं? शाजिया, मेरा सवाल आपसे ये था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बातें सिद्धू के लिए कही हैं, बीजेपी को राष्ट्रवाद की पिच पर खेलने का एक मौका मिल गया है क्या? शाजिया, सवाल तो सुन लीजिए। और आप उसको सही बता रहे हैं? मेरी आवाज लग रहा नहीं मिल रही है शाजिया को? प्रधानमंत्री के प्रयासों से आपको शर्म आनी चाहिए। और ये वही राहुल गांधी हैं या और ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हैं जिन्होंने बालाकोट से सबूत मांगा था हमारे प्रधानमंत्री से, हमारी सेना से। तो आप बिल्कुल, अब आपको रोकूंगी भी, फिर जरूरत भी ना कीजिए आगे बढ़ने की। इससे ज्यादा आप जरूरत भी ना कीजिए, देश के प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हो और कोई भी MLA किसी भी पार्टी का हो, कि वो फॉरेन पॉलिसी पर उसका इख्तियार हो बोलने का, और मुकाबला करे कि केंद्र सरकार पे जिसको मैंडेट दिया गया हो कि वो फॉरेन, देश की फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, सीपाल सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, इन आरोपों को आप राजनीतिक चश्मे से देखना पसंद करेंगे या आपको लगता है कि वाकई ये गंभीर आरोप हैं? और अगर गंभीरता का अंदाजा कैप्टन अमरिंदर सिंह को पहले से था तो उन्होंने पहले ये बात क्यों नहीं उठाई? भाई, कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल में तो मंत्री रहे नवजोत सिंह सिद्धू और अब पंजाब कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं बताया? तब इसको तीन एंगल से देखिए। आरोप तो गंभीर है। हाँ, कि ऐसा आरोप की बात करते हैं तो आरोप तो गंभीर है, लेकिन आरोप करेक्ट कब तक है, कहां तक है, ये देखना होगा। सिद्धू साहब की आदत है कि वो कसीदे कसते हैं तो शुरू कर देते हैं, तो शुरू करते हैं तो बोलते जाते हैं जी। क्या उनका डायरेक्ट किस तरह से वो इन्वॉल्व है, इसका कभी कोई सबूत नहीं है। कसीदे तो करते हैं, जब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया तो उस वक्त कैसे कैसे कसीदे काटे उन्होंने, सोनिया गांधी जी के, मनमोहन सिंह जी के, फिर बीच में क्या हो गया। तो ये एक उनका हैबिट है, एक एटीट्यूड है, जिसको आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते कि वो इन्वॉल्व है किसी तरीके से। दूसरी बात, लेकिन आरोप क्योंकि गंभीर है, दो दूसरी जो पार्टीज हैं उनको ये मौका मिलेगा कल को। अगर आपने सिद्धू के किसी आदमी को ले लिया चीफ मिनिस्टर, तो दूसरी पार्टीज पंजाब की डेफिनेटली इस चीज को एक्सप्लॉइट करेंगी। इसलिए सिद्धू ने जो वो बातें की उनकी एक्सप्लॉइटेशन बहुत हो सकती है। हाँ। तीसरी बात, हालात जो हैं आज की डेट में बहुत गंभीर हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।